गुरुग्राम के जैकमपुरा में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों ने महिला के साथ मारपीट की है। पूरा वाक्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। महिला का आरोप है कि महिला की गली में रहने वाले एक परिवार ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें महिला को गुम चोटें लगी है। महिला का मेडिकल होने के बाद भी अभी तक महिला थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। मोनिका जी, मेरे दो बच्चे हैं, आदमी मेरा पीने खाने वाला है और मैं बाजार में दिए हुए बेच के अपना गुजारा करती हूँ। हैं पड़ोसी मेरे को मारने की वो धमकी देते हैं। कल लोकेश ने आके मेरे के चिपट के मेरे जम्फर फाड़ा है। उसके बाद दो तीन लेडीजों ने मेरे पर हमला किया जो कि मेरे मारने के लिए चिपटे हुए हैं। बाहर से आई एक दो लेडीजों ने मुझे छिटाया है। थाने में फ़ोन किया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। दो घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई मेरे पास। फिर दोबारा तीसरी चौथी बार गई हूँ, जब पुलिस आई है, जब भी फिर बलराज आके घर में उनकी कंप्लेंट लिख के ले गए और मेरे उस पर कहता है कि आप फैसला कर लो जी। अभी हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं, ACP साहब से मिले, तो उन्होंने सिर्फ हमें ये आश्वासन ही दिया है कि हाँ ये हो जाएगा, बाकी कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि थाने में जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, बाद में आते हैं यहाँ पे। इस तरीके से उन्होंने हमें बोला और कहा कि ये जो कंप्लेंट आप देने आए हो ये कंप्लेंट ब्रांच में जमा करा दो, बाकी और कोई कार्यवाही नहीं की गई है अभी तक हमारी। हमारे साथ अभी इतनी दुर्घटना घटी है, फिर भी ये पुलिस वाले हमारे चक्कर पे चक्कर कटाए जा रहे हैं कि इस ऑफिस में जाओ, कमिश्नर ऑफिस आए तो ये कह रहे कि सिटी थाने में जाओ। अब हम कहाँ पे जाएं, यही बताओ आप।